वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम असेंबली क्रिएट करने वाले हैं गैस रेगुलेटर की। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक एक पार्ट हम इसमें असेंबल करेंगे। इसके सारे मेट वगैरह किस तरह से हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और वीडियो को स्किप किए बिना पूरे एंड तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रोजेक्ट आपको आगे मिलते रहे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम इसे कोलैप्स कर देते हैं। तो देखिए, ये असेंबली आपको इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर ये नॉब हम वर्क करेंगे, जैसे ही इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे इसकी पिन आ रही है, इसे प्रेस करेगा बॉटल को ताकि वहाँ से ये आउटपुट, इसका जो गैस है वो यहाँ से आउटपुट होगा। तो चलिए हम इस असेंबली को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको न्यू में जाना है, फिर यहाँ पर असेंबली सिलेक्ट करनी है और फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जो पार्ट जहाँ पर आपने सेव किया है उसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर गैस रेगुलेटर का फोल्डर क्रिएट किया था, इसमें फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आई वाले बटन में ओरिजिन आपको ऑन कर देना है, फिर यहाँ पर इन दोनों ओरिजिन को मिला देना है। यहाँ पर कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देना है, फिर यहाँ पर फिर से इसमें जाएंगे और इसे ऑफ कर देंगे। इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं, प्लेन वाइट। अब फिर से यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे और इसका सेकंड पार्ट इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है, इस होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए कोसेंट्रिक वाला रिलेशन इसे सेट कर देना है, इसे मेट कर देना है। अब हम यहाँ पर सेक्शन व्यू ऑन कर देंगे फ्रंट व्यू में और फिर ओके करेंगे। फेस को सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल व्यू यहाँ पर क्रिएट करेंगे, नॉर्मल व्यू में इसे सेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके थ्रेड सेट करने हैं, इसके मेट करने हैं, थ्रेड मेट यहाँ पर सेट करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसके थ्रेड हम सेट करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करेंगे, देखिए इस तरह से इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें रिवॉल्व वाला फीचर हमने यूज किया था, इसके स्केच को ऑन कर देना है, यानी कि शो कर देना है। फिर आपको मेट में जाना है, मेट में जाने के बाद यहाँ पर मैकेनिकल मेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्क्रू वाला जो टैब है इसे ओपन करना है, इसे सिलेक्ट करना है। अब आपको अंदर वाले जो थ्रेड है इसकी फेस को सिलेक्ट करना है, फिर जो स्केच हमने शो किया था उसके सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए इसका ये जो एरो की है ये राइट हैंड साइड इसके थ्रेड है, तो इस हमारे जो पोजीशन है हमारी वो सही है। और यहाँ पर इसके थ्रेड अप्लाई कर देने हैं 1 mm, फिर ओके कर देना है। स्केच को हाइड कर देंगे। अब हम इसे रोटेट करेंगे, देखिए इसकी पोजीशन परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने थ्रेड अप्लाई किए, जो मेट इसके सेट किए थे, वो कम्प्लीटली यहाँ पर सेट हो गए हैं। फिर से अगर हम नॉर्मल व्यू में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब सेक्शन व्यू ऑफ कर देंगे, इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर सील आपको जो ओरिंग हमने क्रिएट की थी इसे इंसर्ट करना है, ओपन करना है। अब जो ओरिंग है इस पार्ट को ओपन करना है, फिर यहाँ पर रिवॉल्व वाला जो फीचर यूज किया था उसके स्केच को शो करना है। फिर यहाँ पर मेट में जाएंगे, स्पिन के डायमीटर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन को। अब इसका मेट हम सेट करेंगे कोसेंट्रिक, फिर ओके करना है। यहां पर देखिए इसे हम रोटेट करेंगे तो ये नीचे की साइड में डाउन साइड में जाएगा और फिर यहाँ पर ये देखिए नीचे की साइड में इसकी
इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बाहर निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रेस होने वाला है सिलेंडर का पिन, यहाँ पे प्रेस होगी जिससे यहाँ पे आउटपुट निकलेगा गैस। अब हम इस सील को नीचे की साइड में सेट करेंगे, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इस ओरिंग को सिलेक्ट करना है और मेट करना है। तो ये इसका रिलेशन टेंजेंट में हो जाएगा और फिर ओके करना है। अब आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है, फिर इसे कॉपी कर देना है। एक और ओरिंग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसके स्केच को ऑन करना है, हमें शो करना है, मेट, स्पेस को सिलेक्ट करना है, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है यहाँ पर और फिर ओके कर देना है। स्केच को हाइड करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर जो दूसरी वाली ओरिंग है इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर मेट कर देना है। अब इसका डिस्टेंस सेट करना है हमें 2.5 mm और फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ओरिंग सेट हो गई है। इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पर इस वाली नट को इंसर्ट करना है, ओपन करना है, इसे रोटेट करेंगे हम। यहाँ पर देखिए इस वाले होल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की होल करनी है और इस पिन को सिलेक्ट करना है और कोसेंट्रिक कर देना है। अब इसमें भी हम सेक्शन व्यू ऑन करेंगे, इसके थ्रेड का मैट सेट करने के लिए, थ्रेड मैट सेट करने के लिए हम इसका सेक्शन व्यू हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें भी हम थ्रेड इसके सेट कर देंगे, सबसे पहले थ्रेड का पोजीशन सेट करनी है, देखिए इस तरह से आपको थ्रेड सेट कर देने हैं। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो हमने फर्स्ट में इंसर्ट किया था उस पार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो रिवॉल्व वाला फीचर है इसके स्केच को शो करना है। मेट में जाएंगे, मैकेनिकल मेट, फिर स्क्रू। अब यहाँ पर आपको थ्रेड सिलेक्ट करने हैं, सबसे पहले थ्रेड की फेस सिलेक्ट करनी है, तो हम इस नट के थ्रेड की फेस सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये स्केच है इसकी सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है, इसके जो थ्रेड की पिच है वो यहाँ पर टाइप करनी है 1 mm और फिर ओके करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए नट प्रॉपरली यहाँ पर सेट हो गई है। देखिए इसके भी थ्रेड परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है, सेक्शन भी ऑफ कर देते हैं। स्केच को हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर इस नट को थोड़ा ऊपर की साइड में हम मूव करेंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर हमें नट के अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर मेट कर देना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से ये नट यहाँ पर सेट हो जाएगी परफेक्टली। इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, फिर यहाँ पर ये नॉब इसे इंसर्ट करना है। इस पार्ट को हम रोटेट करेंगे, मेट एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर अंदर वाले होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस पिन के डायमीटर को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर किसी भी एक फेस को सिलेक्ट कर देना है और ओके करना है। अब आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है,
और इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसका कोसेंट्रिक सॉरी कोइंसिडेंट रिलेशन सेट हो जाएगा और फिर ओके कर देना है। देखिए हमारे सारे पार्ट प्रॉपरली यहाँ पर सेट हो गए हैं। हम यहाँ पर इसका रियल व्यू ऑफ कर देते हैं तो देखिए इस कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। यहाँ पर इसे रोटेट करना है हमें, इस तरह से रोटेट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अंदर वाली जो फेस है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस आउटर वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मेट कर देंगे तो ये कोसेंट्रिक रिलेशन इसका सेट हो जाएगा, फिर ओके कर देना है। मैकेनिकल मेट में जाना है, स्क्रू आपको सेट करना है, सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर जो ये पार्ट है इसके रिवॉल्व वाले फेस में सॉरी रिवॉल्व वाले फीचर में यहाँ पर स्केच वाला जो स्केच है इसे शो करना है, फिर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर इसकी जो पिच है 1.25, क्योंकि हमने ये 8x125 के कॉस्मेटिक थ्रेड यहाँ पर सेट किए थे, इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पर इस वाले स्केच को हाइड कर देना है। अब हम इसे यहाँ इसमें फिट करेंगे। देखिए ये परफेक्टली अंदर सेट हो गया है। अब इसी तरह से हम उस साइड में भी हमें सेट करना है ये वाला स्क्रू, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेनियर कंपोनेंट पैटर्न, इसमें जाना है आपको मिरर कंपोनेंट कर देना है। मिरर कंपोनेंट में देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लेन सिलेक्ट करना है, तो हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंपोनेंट कौन सा मिरर करना है, तो हमें ये वाला कंपोनेंट सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस साइड में भी ये सेट हो गया है। फिर से यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमें ओपन करना है। इस होल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेट कर देना है। कोसेंट्रिक रिलेशन सेट हो गया इसका, ओके कर देंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पर इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसका रिलेशन टेंजेंट हो जाएगा और फिर ओके कर देना है। अब हम फिर से यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, इस नट को इंसर्ट करना है, ओपन करना है, रोटेट कंपोनेंट, इसे हम रोटेट कर देंगे। फिर आपको मेट एक्टिवेट करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करना है, कोसेंट्रिक रिलेशन सेट हो जाएगा इसका। फिर से यहाँ पर मेट एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पर मैकेनिकल मेट सिलेक्ट करना है और स्क्रू सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसकी आउटर फेस जो थ्रेड है इसके आउटर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस नट के जो थ्रेड है इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके थ्रेड की पिच अप्लाई करनी है 1.5 mm और फिर ओके करना है।
अब हमें इस नट की फेस को सिलेक्ट करना है, जो अंदर वाली फेस है इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इस वाले पार्ट के इस फेस को सिलेक्ट करना है और मेट कर देना है और ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर टूल बॉक्स को ओपन करना है। टूल बॉक्स में आपको अनसीमेट्रिक सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर बोल्ट एंड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू, इसे ओपन करना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर पेन क्रॉस हेड है, इसे ओपन करना है। यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है हमें M3 और इसकी लेंथ रखनी है 5 mm। थ्रेड लेंथ इसकी रहेगी 5 और यहाँ पर साइज इसकी रहेगी कॉस्मेटिक थ्रेड, और फिर ओके करना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा स्क्रू है, इसे सिलेक्ट करना है और यहां से डिलीट कर देना है। यस, रिबिल्ड करेंगे तो यहां से हट जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी असेंबली हमने परफेक्टली यहां पर सेट कर दी है। यहां पर देखिए इसे हम रोटेट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के आगे और भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया पार्ट लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।